दिया अपने हीजड़ेपन का सबूत। आ गए खाली हाथ, डूब मरो। मैं पूछता हूं, तुम लोग एक लड़की पकड़ कर नहीं ला सकते? लड़ रहे तुम सब पर सालो। अरे भाई, किसे डूबने के लिए भेज रहे हो चौधरी? अरे यार, तुम आने वाले थे, सोचा एक लड़की आती तो शाम सुहानी हो जाती। अरे तो फिर बुलवाओ ना, मजा आ जाएगा। अरे क्या खाक बुलवाऊं, इन हरामजादों को भेजा था लड़की को लाने के लिए। साले लड़की लाने के बजाय खुद लड़की के हाथों मार खाकर आ गई है कमीने। इतनी बहादुर थी वो लड़की कि तुम्हारे इतने सारे मुस्टंडों का पानी उतार के रख दिया। यकीनन ये तो डूब मरने वाली बात है। चुल्लू भर पानी में। न जाने क्या समझते हैं अपने आप को। लगता है आज फिर किसी से लड़कर आया तू। चाचा मुझसे ज्यादती बर्दाश्त नहीं होती। अरे भाई, ज्यादती तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हुआ क्या है? अरे चाचा, वो लोग दीनू काका की लड़की को उठा कर ले जा रहे थे। तुझे कैसे मालूम? मैंने तो उसे वहाँ जाकर बचाया है। और मैंने? चाचा ये तो अपनी बहादुरी दिखाने तब आया जब मैंने सबको मारकर भगा दिया था। देखा 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 कितना झूठ बोलती है। अरे झूठा होगा तू, गंगा कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ भाई हाँ, तू तो कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन ये बता, तू आज काम पर क्यों नहीं गई? मुनीम ने मना कर दिया था। क्यों? अरे चाचा, बिठा कर तो कोई मजूरी देता नहीं, अब काम होगा तो बुलाएंगे, बुलाएंगे तो जाऊंगी, जाऊंगी तो काम करूंगी, काम करूंगी तो मजूरी मिलेगी। एक बात बता, तू जो इतनी बात करती है, तेरा जबड़ा नहीं दुखता? कमाल है चाचा, बोलो तो बात नहीं और ना बोलो तो चाहो मैं नहीं बोलता। अरे नहीं, नाराज नहीं होते, जंदर जाए खाना खा ले, मैं भी आता हूँ। तू भी खाना खाएगा बेटा इसके साथ? नहीं नहीं। देख बेटा, इसकी बातों का बुरा मत मान, जबान की कड़वी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है तुझे। सावन आया रिम झिम सावन आया रिम झिम सावन आया।
मैं और तुझसे प्यार कभी नहीं, लेकिन जब भी मैं तुझे देखती हूँ किशन, तो मुझे कुछ कुछ क्यों हो जाता है। मुझे अपनी बाहों में समेट, आह क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो? अच्छा जनाब, तो आप थे। अरे निगोड़े, पराई चीज पर हाथ डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? चल हट। दीदी, दीदी, आई। दीदी, क्या हुआ? दीदी मैं पास हो गया हूँ दीदी। सच? हाँ सच दीदी। आज मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं तुझे पढ़ाई के लिए शहर भेजूंगी। शहर? मैं नहीं जाऊँगा शहर। अरे कैसे नहीं जाएगा शहर? शहर नहीं जाएगा तो साहब कैसे बनेगा? मुझे नहीं बनना साहब। आप ए अमर, ये तू क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ दीदी, बहुत दुख उठाया तुमने मेरी पढ़ाई के लिए। तो क्या हुआ, तू कोई गया थोड़ी ना है? इसीलिए मुझसे तेरा दूसरों की मजदूरी करना देखा नहीं जाता। लोग मुझे ताने देते हैं कि बहन से मजदूरी करवाता है। लोग जाए भाड़ में, कोई किसी की रोटी थोड़ी ना चलाता है। लेकिन शहर जाकर पढ़ना इतना आसान नहीं है, ढेरों पैसों की जरूरत पड़ेगी। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? तू इसकी चिंता मत कर, मैं लाऊंगी पैसे, मैं करूंगी सारा इंतजाम। किशन, किशन, किशन सुना तूने, मेरा भाई पास हो गया। क्या? हाँ। अमर पास हो गया? हाँ, और आगे की पढ़ाई के लिए मैं उसे शहर भेज रही हूँ। अच्छा। हाँ। लगता है तू मेरे साले को साहब बना कर छोड़ेगी। हाँ, छोड़ना मुझे, मुझे चौधरी के पास पैसे लेने जाना है। चौधरी के पास? अरे चली जाना। नहीं गंगा नहीं, तू चौधरी के पास नहीं जाएगी। क्यों? चौधरी से कर्ज लेना बद्दुआ लेना है। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं ला कर दूंगा। तू तू कहाँ से देगा पैसे? अपना घर बेचकर। अरे अगर घर बेच देगा तो रहेगा कहाँ बुद्धू? गंगा, गंगा। मान गए भाई। चौधरी, तुम तो रंडवे हो। अरे फिर तुम्हारे घर ये छमछम की आवाज कैसी? अबे कुछ नहीं है, तेरे कान बज रहे हैं। मेरे कान? चौधरी, कौवे के घोंसले में बुलबुल? मालिक? अरे खड़ी क्यों है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, भाई को शहर भेजना है। पैसे चाहिए? जी मालिक। चौधरी, देश की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर ये अपने भाई को पढ़ाना चाहती है तो रुपए देने में कोई हर्ज नहीं। मैंने कब ना कहा, हर अबला नारी की तन मन धन से सेवा करना मैं तो अपना फर्ज समझता हूँ। जा मुझे जी से ले ले जी।
चौधरी, बटेर तो बड़ी तंदुरुस्त है, क्यों ना इसका शिकार किया जाए। करेंगे करेंगे, सब कुछ करेंगे, पहले उसके भाई को शहर भेज दें। मजा आ जाएगा। मैं जानती हूँ चाचा, तुम्हें भी अमर के जाने का बहुत दुख है। दुख मुझे अमर के जाने का नहीं है, दुख तो इस बात का है कि मेरे जीते जी तुमने चौधरी के सामने हाथ क्यों फैलाया। और कोई रास्ता भी तो नहीं था तो क्या मैं मर गया था, अपाहिज हो गया था मैं? चाचा, तुम ठीक कहती हो बेटी, मैं ही गलत हूं जो तुम दोनों पे अपना हक जमाता है। अरे मेरा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है, क्या है? चाचा, ये तुम क्या कह रहे हो चाचा? बचपन से लेकर आज तक तुम्हीं ने तो हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, माँ बाप की कमी पूरी की है तुमने, अमर की पढ़ाई पर अपने हज का पैसा भी खर्च कर दिया तुमने। हाँ चाचा, हमने कब आपको गैर समझा? चाचा। चलो बेटा, बस का वक्त हो गया, आओ। अच्छा दीदी, चलता हूँ। गंगा, क्या बात है, आज बहुत फुदक रही है। क्यों ना फुदकूं, आज मेरा भाई शहर गया है। तो मुझे क्या बता रही है, क्या चौधरी को बता जिसने तुझे पैसे दिए। अरे अरे अरे, तू तो गरम हो गया। अरे अच्छा छोड़ो गुस्सा, तेरा मेरा तो जन्म जन्म का साथ है। चल हट। ए किशन, तू मुझे ऐसे धक्का मत दे। हाँ, पर ना मैं गरम हो जाऊंगी। गरम हो जाएगी तो क्या करेगी? प्यार। कैसे बताऊं? ओ गंगा। ऐसे? अभी तक आई क्यों नहीं? आ जाएगी यार, सब्र करो। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ हाँ। कुछ काम था मालिक? हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना था कि जो कर्ज तुमने मुझसे लिया है वो तुम कैसे चुकाओगी? खूब सारा काम करके मालिक। काम करके चुकाओगी तो खाओगी कैसे? अरे क्या करूं मालिक, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, जितना हो सकेगा करूंगी, बाकी जब मेरा भाई कमा के लाएगा ना तब पूरा कर दूंगी। चौधरी पूरा कर देगी? तब तो सूद ही असल का चौगना हो जाएगा। देख, मैं तेरा कर्जा माफ कर दूंगा और चौधरी जी तेरे भाई को बहुत अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। अरे ये मंत्री है। सच मालिक? हाँ, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। आप बताइए सरकार, मैं अभी कर देती हूँ। तू सच कह रही? अरे सच क्या मालिक, आज तक आप ही का तो काम करती आ रही हूँ, आप बताइए तो करना क्या है। तुझे मंत्री जी का बिस्तर गरम करना है। ठीक है मालिक, मैं अभी आग लगाकर सेक देती हूँ। आग लगाकर? लगता है अब तक तुम्हें तुम्हारी जवानी ने अपने आने की खबर ही नहीं दी। मैं समझी नहीं मालिक। तो समझा देते हैं, हम तुम्हारी नथ उतारेंगे। मालिक, हमारी गरीबी इतनी बेशरम नहीं है, अगर मैं गरीबी के जमीन पर ना खड़ी होती तो अब तक ये भूल गई होती कि आप हमारे मालिक हैं। लड़की, मैं आपका कर्जा अपनी जान लेकर भी चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी इज्जत जान देकर भी गंवाने को तैयार नहीं हूँ। अगर दुबे जी का बिस्तर ज्यादा ठंडा हो गया हो तो अपनी इज्जत को उस पर सुलाकर उसे गर्म कर लीजिएगा। चौधरी, इसे तो हमने मुंह मारने के लिए बुलाया था, ये तो मुंह पे मार के चली गई। मुंह पर मार कर तो गई है, लेकिन अब ये मुंह की खा कर जाएगी। पूरा करेगा काम पूरा। क्या बात है रानी। आग उगलती आंखें,
इंसान को तो क्या, फरिश्तों को भी पागल कर दे। कुत्ते कहीं गए, हरामजादे। खाने। अरे इतनी अच्छी चीज को ऐसे मत फेंको भाई, हमारा देश बहुत गरीब है। अरे चौधरी कहाँ है, अभी तो पूरा मजा लेना है। गंगा, रुक रुक रुक, बस गंगा, है क्या हुआ गंगा? गंगा ये क्या हुआ गंगा? अरे कुछ बोलना गंगा। ए गंगा ये क्या हुआ गंगा? गंगा ये क्या हुआ, ये क्या हो गया गंगा? मैं लौट गई कैसे, मैं बर्बाद हो गई। किसने किया ये? कौन था वो हरामजादा? चौधरी के आदमी ने मुझे कहीं कर दिया। गंगा गंगा, इस तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। आ चल मेरे साथ, उठ थाने से। तो तेरा कहना है कि चौधरी ने तेरी इज्जत लूट लिया? हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि तूने खुद चौधरी से तेरी इज्जत लूटने को कहा हो। इंस्पेक्टर साहब, चौप में फड़वे, बीच में नहीं बोला समझा? मैं लौंडिया से बात कर रहा हूं, अगर बीच में बोला ना तो ये डंडा देखा है क्या, मुंह से डाल के नाक से निकाल दूंगा, समझा? हाँ, अब ये तो बता कैसा लग रहा था इज्जत लूटते वक्त, कैसा लग रहा था बोला? इंस्पेक्टर, कुत्ता, हराम सादे, एक तो तूने इस लौंडिया की इज्जत लूटी, और ऊपर से चौधरी जैसे शरीफ आदमी को बदनाम करता है। हवलदार जी साहब, ले जाओ इस हरामजादे को, और इस हरामजादे को मार कर इसकी खाल में नमक भर देना। ले जाओ, मैं तुझे छोडूंगा नहीं। अरे रुक जा, इंस्पेक्टर, कुत्ता कमीना है, तूने मेरी गंगे को हाथ लगाया, मैं तुझे मार डालूंगा। इंस्पेक्टर हरामजादा, कुत्ते कुत्ते हरामी, इंस्पेक्टर के बच्चे। चुप,
अरे तू काहे को नाराज हो रही है? अरे मैंने तो तेरा इतना बड़ा काम कर दिया और तू समझती नहीं। अरे मैंने तो तेरे इज्जत के लुटेरे को अंदर कर दिया, बंद कर दिया, बंद। अब मैं लिखूंगा तेरी रपट। लेकिन लुटेरा तो चौधरी राज साहब, मेरा किशन नहीं। हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कानून सबूत मांगता है। तेरे पास है कोई सबूत? है तो बता दे। हाँ, बता सकती हूँ, लेकिन पहले तू अपनी माँ से जाकर पूछ कि उसके क्या करने से तू उसके पेट में आया था। पहले तू अपनी माँ से जाकर पूछ कि उसने तुझे पैदा कैसे किया। क्या वो तुझे ये बता सकती है कि वो तेरे बाप के साथ बीच गांव के चौराहे के बजाय बंद कमरे में क्यों सोती थी? क्या वो तुझे ये बता सकती है कि वो तुझे अपना दूध अपने आंचल में छुपा कर क्यों पिलाती थी? बता, तेरे सबूत मांगने वाले कानून के इतिहास में ऐसा कोई बलात्कार है जो चश्मोदीद गवाह और दुनिया की आंखों के सामने हुआ हो? बता लड़की, तुझे सबूत चाहिए ना? सबूत चाहिए तुझे? हाँ, मैं ला कर दूंगी तुझे सबूत, मैं ला कर दूंगी तुझे सबूत। वाह भाई सेवालाल वाह। भाई मैंने मंत्री जी से तुम्हारी तरक्की की बात कर ली है, काम हो जाए। शुक्रिया चौधरी साहब। और हाँ भाई, दिवाली आ रही है, जरा मिठाई विठाई खा लेना। ओ, इसकी क्या हरामजादे, हमारे चांद के मुंह पर कालक पोत कर इस भड़वे के दिवाली के चिराग को रोशन करने वाले मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगा। खामोश बदतमीज, होश में आओ। होश तो तू गवा बैठा है चौधरी। आज तक तुझे सारा गांव एक फरिश्ता समझता रहा, लेकिन हकीकत तो यह है कि तू एक फरिश्ते की शक्ल में शैतान की नाजायज औलाद है। बस अल्लाह बख्श, अगर तुम खामोश नहीं हुए तो मैं तुम्हें चौधरी साहब के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। गिरफ्तार तो मैं खुद हो जाऊंगा, लेकिन इसकी गर्दन काटने के बाद। अल्लाह बख्श, छोड़ दे। डरो नहीं बेटी, डरो नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।
चलो उठो उठो शाबाश उठो हाँ उठो। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं। मुझे ये बताओ कि ये लोग कौन थे और तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? चौधरी और उसके आदमियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस दुनिया में मजबूर और कमजोरों को कभी इंसाफ नहीं मिलता बेटी, इसलिए मैंने ये बंदूक उठाई है। इस भीड़ में हनुमान सिंह किसी से बेइंसाफी नहीं होने देता। तुम्हें मेरे आदमी सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। आओ। मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? मेरा तो सब कुछ लुट गया। तू घर नहीं जाना चाहती तो फिर क्या चाहती है? मैं अपने बदन पर लगी हुई एक एक खरोच का बदला लेना चाहती हूँ। ये बात है तो ले, उठा बंदूक और बन जा शेरनी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। उठा। आजा। अरे बाबा आप आ गए? हाँ। ये लड़की कौन है? ये गंगा है बिजली, अब ये हमारे ग्रुप में रहेगी। अच्छा। मगर तुम कहाँ जा रही हो? बाबा सुना है तंदूर खान 12 लड़कियों को खरीदने जा रहा है। अच्छा। मैं उन्हें बचाने जा रही हूँ। अच्छा जाओ। आशीर्वाद दीजिए बाबा। जीती रहो। जा। चलो साथियों। आओ गंगा। आओ। से लेके जोधपुर तक, जोधपुर से लेके बंबई तक मेरा नाम सनलाइट और लाइफबॉय की तरह मशहूर है, और ये कोठा मेरा तंदूर है। मगर यहां रोटियां नहीं, जवान जिस्म सेंके जाते हैं, इसलिए लोग मुझे उस्ताद तंदूर खान जोधपुरी कहते हैं। शबूर, मुझे भड़वा किसने कहा? मैंने तुझे भड़वा कहा, बोल क्या कर लेगा? हाँ सच के जाऊं, तुम्हारी ये कातिल अदा मेरे दिल जिगर फेफड़े में उतर आई है। चबो, हमाम खान कह रहा था कुछ 12 लड़कियां भिजवा रहा हूँ, 6 के रास्ते में धंधा करने उतर गई। तेरे लिए तो सिर्फ 6 ही काफी है छक्के। बहुत अच्छे, लगता है किसी डाकू वाली फिल्म की शूटिंग से सीधे यहीं भाग कर आ रही हो। कपड़े उतारो, धंधे का टाइम हो गया है। ए, तू शायद जानता नहीं कि किसे कपड़े उतारने के लिए कह रहा है, वो हमारी सरदारनी बिजली है। बिजली भैया, बिजली भैया, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं समझा कि मेरा माल है, सामान है, मेरे मुंह को क्या हो गया? और वो जो तेरा तंदूर 24 घंटे गरम रहता था उसका क्या हुआ? वो तो आपको देख के ठंडा हो गया। पानी भर गया मेरे तंदूर में। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हम यहाँ बैठने नहीं, मुजरा सुनने आए हैं। मुजरा सुनने? जरूर जरूर, अब मैं भी लड़कियाँ भेज देता हूँ। कोई भी लड़की मुजरा नहीं करेगी, समझे? लड़की मुजरा नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? तुम करोगे मुजरा। अच्छा, मैं? हाँ। बिजली मैया, आप मजाक कर रही हैं, आप लोगों का मजाक भी तो कमाल होता है। पकड़ लो इसे और तैयार करके लाओ। चलो। जाओ। मुजरा सुनेंगे। क्या गजब किया, तंदूरी खान से तंदूरी जान बना दिया आपने। अब करने क्या होगा? मुजरा कर। बहुत लड़कियों को नचवाया है तूने। मुझे नाते नहीं आता। बकवास बंद कर।
आज तू नाचेगा भी और गाएगा। चल शुरू हो जा। मुझे आई बड़ी ही लाज, फंसी हूँ किन लोगों में आज, छक्के छोड़ गए, छक्के छूट गए, हाय छक्के, हाय के छक्के छूट गए, हाय 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 के छक्के छूट गए। पैजामा मेरा, हाय पैजामा मेरा, ओ पैजामा मेरा। जूता कबूल है हमें सरकार आपका, जूता कबूल है हमें सरकार आपका। एक बार मैं गिनूं बड़े सौ बार आपका, जूता कबूल है हमें सरकार आपका। कर दो हाय माफ कर दो, मगर उम्र भर के लिए माफ कर दो, मगर उम्र भर के लिए सलाम खौफ मेरी माँ जरा तो भूल कर लो। अरे बस एक बार जान मेरी छोड़ दीजिए, बस एक बार जान मेरी हाय छोड़ दीजिए। मोहित तो आज माँ भी सावर यार है, तो आज माँ भी सावर यार है, मोरी दुखने लगी है कमर यार है, मोरी दुखने लगी है कमर यार है, मोरे जय 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 माँ भी सावर यार है, मोरे दे दो आज माँ भी। वाह तंदुर खान, ये ले आ ले चलो इसे अड्डे पे। अड्डे पे ए ए बाबू क्या है? ये लो।
तुम और यहाँ? हाँ मैं, तुमसे मिलने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ती है ना। चिट्ठी पढ़ी? कुछ समझे क्या? अरे कुछ तो बोलो, कुछ समझे कि नहीं? हाँ कुछ कुछ समझाऊ। तो चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। लेकिन क्यों? ओफो, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए डैडी ने तुझे तुझे चाय पे बुलाया है। चलो। लेकिन आशा। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अब चलो मेरे साथ। डैडी, आशा जिस लड़के की बात कर रही थी उन्हें लेकर आई है। डैडी, ये अमर है। नमस्ते। नमस्कार बेटी, आ गई तू? अरे हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ता लाओ, जाओ बैठिए। थैंक यू। हाँ तो आपकी ट्रेनिंग कब तक खत्म हो रही है? अगले हफ्ते। हाँ बेटा अमर, उसके बाद? उसके बाद मैं घर जाऊंगा। देखो बेटा अमर, आशा मेरी इकलौती बेटी है, यहाँ जो कुछ भी है सब आशा का है, मैं उसे हर हालत में खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए शादी के बाद आप दोनों यहाँ रहो मेरे पास, यही मेरी ख्वाहिश है। आपका मतलब घर जवाई? देखो बेटे, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारे गांव की गंदगी और भूखमरी के बीच अपनी इकलौती बेटी आशा को नहीं भेज सकता। माँ की गोद गंदी नहीं होती सर, मैंने वहां जन्म लिया है, मेरे अपने आज भी वहीं रहते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। अमर, बेचारा। डैडी, अमर कहाँ चला गया? बेटी मैंने कहा शादी के बाद आपको यहां रहना पड़ेगा, तो ना बोल के चला गया। डैडी, कहाँ भाग रहा है? चल। पता नहीं मैंने आप लोगों के क्या बिगाड़ा है, अब तो मुझे छोड़ दीजिए। क्या बिगाड़ा जो आप लोगों ने मेरा अपहरण किया? अगर मैं तुझे यहाँ नहीं लाती तो तू वहाँ और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता, अब तू यही रहेगा हमारे साथ। मगर मैं यहाँ रह के करूंगा क्या? क्या करूंगा मैं? वो सब कुछ करेगा जो मैं तुझे कहूंगी। सुबह उठकर अड्डे की साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना और दोपहर का खाना बनाना, समझे? मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं कुछ हेरा भाई की महामारी पे खाता हूँ। आप कुछ ये तो मैं वहां से कुछ ला दिया करूंगा, मेरे को छोड़ दीजिए। ठीक है छोड़ दो। छोड़ दिया? चलो चले। क्या हुआ? चल झाड़ू उठा और सफाई शुरू कर। चल। मुझे शर्म आती है, ये औरतों का काम है, मैं तो मर्द हूँ। कुछ दिनों यहाँ रह लेगा तो तू ना तो मर्द रहेगा ना औरत। हाँ क्या मतलब? मतलब बाद में। चल झाड़ू उठा और सफाई कर। नहीं मैं झाड़ू नहीं मारूंगा। जाओ। तेरी तो क्या बोला मैं? हाँ मारता ना झाड़ू। कहाँ झाड़ू मारता ना? देख इधर है झाड़ू मारता ना जल्दी। हाँ झाड़ू मारता हूँ, झाड़ू मारता हूँ। चल अब ये मटकी उठा और पानी लेके आ, पीछे कुआं है। अच्छा। न जाने कैसा गधा है। कुआं कहाँ है? अबे ओए, मेरे पीछे क्या कर रहा है? कुआं ढूंढ रहा हूँ, आपने बोला ना मेरे पीछे कुआं है। अरे बेवकूफ, मेरे पीछे नहीं अड्डे के पीछे कुआं है, जा। अड्डे के भी साफ साफ बोलिए ना, अड्डे के पीछे कुआं है। नया आदमी हूँ, मेरे को क्या पता कुआं का, मैं तो मुआ हूँ। शाबाश मेरी शेरनी, जीती रहो। मिस्टर अमर वर्मा, ये लो तुम्हारा पोस्टिंग लेटर। मुझे उम्मीद है कि तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ फर्ज और कानून की रक्षा करोगे।
मैं अपने फर्ज और कानून की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा सर। जब तुम्हें पालने वाला अला बख्श मर रहा था तब तुमने वादा किया था कि जब तक देवीलाल को उसी तरह उसी जगह मारकर बदला नहीं लोगी चैन से नहीं बैठोगी। आदमियों को निकल चले। शाबाश बेटी। अब आप आराम करो। ठीक है। चला रे गोरा पनिया भरन को, अरे पनिया भरन को मटके बोल को। अंधों की तरह काम करता है, सारा पानी गिरा दिया और मेरी कोरी मटकी भी फोड़ डाली। देखिए टूटने की चीज तो टूट गई, मैंने जानबूझ के थोड़ी तोड़ा, अगर मैंने तोड़ता कोई और तोड़ देता। आप खामखा मुझ पे गुस्सा कर रही हैं। चल जा यहाँ से। गोल गोल रानी इतना तपानी, गोल गोल रानी इतना तपानी। अरे पार्टी का मेरी रानी जल मछली अरे किनारे निकलते तुम। हाँ मैं। याद है तूने मुझे गोश्त के टुकड़े की तरह उसको तय चौधरी के सामने फेंक दिया था।
मैं तेरी पोटी पोटी कर दूंगी। ये बयान गंगा का है या चौधरी का? चौधरी का साहब। दरअसल गंगा ने अपने भाई को शहर भेजने के लिए चौधरी से कुछ रुपये कर्ज लिए थे। जब चौधरी ने अपने रुपयों की मांग की तो गंगा ने उस पर हमला कर दिया। अरे उसकी जान लेने पर उतर आई साहब। और गंगा डाकू बन गई? करेक्ट, यू आर राइट सर। लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि जब चौधरी तुझ जैसे ऑफिसर के गले में रिश्वत का पट्टा डालकर हुक्म का कुत्ता बना सकता है, तो क्या गंगा जैसी मासूम और गरीब लड़की के साथ जाती नहीं कर सकता? मिस्टर अमर, ये स्टेटमेंट तूने एक ईमानदार ऑफिसर की तरह डकार लेते हुए नहीं लिखा, बल्कि चौधरी की फेंकी हुई झूठी हड्डियां चबाते हुए लिखा है। तो क्या गंगा के मालपुए चबाते हुए लिखता? ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा, वरना चौधरी पर इल्जाम लगाने के जुर्म में उस छिनाल को मैं भी रेप करता। बास्टर्ड, तुझे वर्दी इंसाफ के लिए दी गई है, ना कि तुम्हारी जात बताने के लिए। अमर, तूने मुझे थप्पड़ नहीं मारा बल्कि सांप के फन पर कंकर मारा है। राम राम सरदार। यह रहा आपका माल। तुझे 3 दिन पहले आना था सुखा, और आज आ रहे हो ये जानते हुए भी कि हमें माल की सख्त जरूरत है। क्या करूं सरदार, गांव में एक नया लड़का SP बनकर आया है। तो क्या हुआ, SP तो आते जाते रहते हैं, तुम क्यों डर रहे हो? और तुझे तो मालूम है सुखा, हमारे सरदार कुत्तों से नहीं डरते। ये नया SP बहुत खतरनाक है सरदार, उसने कसम खाई है कि वो आप लोगों का नामो निशान मिटा देगा। एक मच्छर ने कसम खाई है क्यों हवा का रुख बदल देगा? हवा का रुख बदल सकता है सरदार, लेकिन हमारे इरादे कोई नहीं बदल सकता। हाँ सरदार, हमारे इरादे कोई नहीं बदल सकता। हाँ सरदार, हमारे इरादे कोई नहीं बदल सकता। क्या नाम है SP छोरे का? अमर वर्मा सरदार। अमर वर्मा। भैरव, हुक्म करो सरदार। दुश्मन हम पर वार करने की सोचे, उससे पहले उसे खत्म कर देना चाहिए। जो हुक्म सरदार। इसे रोको सरदार, मैं एक बार अमर वर्मा से मिलना चाहती हूँ। मगर तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? वो मेरा भाई है सरदार। तुम्हारा भाई? अगर ये उस हरामी कुत्ते को एक बार मिल गई तो हम सबको फांसी पर चढ़ा देगी। भैरव, अगर तूने दोबारा ऐसी बात की तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। गंगा, पुलिस वाले रिश्ते नातों की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ पुलिस वाले होते हैं। वो मेरा भाई है सरदार, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूं। मैंने एक मां की तरह उसे अपना खून पिला पिला कर बड़ा किया है। मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। तुम्हारा और उसका रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था गंगा, जिस दिन तुमने ये राइफल उठाई थी। अब उससे मिलकर क्या करोगी? मैं उसे अपने सीने में लगा हुआ एक एक जख्म दिखाऊंगी सरदार। मुझे उसे मिल लेने दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। सरदार, ऐसी गलती मत करो, ये हम सबको मरवा देगी। नहीं भैरव, हम जानते हैं गंगा अपनी जान तो दे सकती है मगर हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकती। जाओ बेटे, जीती रहो।
दीदी तू वही है जो मैं देख रहा हूँ या मेरी उस दीदी की परछाई जो मुझे नजर नहीं आती? जी तो करता है कि तेरे कंधे पे सर रख के जी भर के रो दूं, लेकिन फिर सोचती हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चेहरे की कालिक से तेरी वर्दी मैली पड़ जाए। दीदी। हाँ अमर, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी इज्जत लुट गई, चाचा को मार डाला गया और जिन हाथों ने तुझे कंगन सौंप कर शहर भेजा था, आज वक्त ने उन्हीं हाथों में ये बंदूक सौंप दी। मुझे उन कमीनों का नाम बता दीदी। क्या करेगा, मेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। उन्हें उनके किए की सजा दूंगा। उनको सजा देने के लिए ही तो मैंने ये बंदूक उठाई है। लेकिन तुम कानून की मदद भी तो ले सकती थी। मैं कानून के सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने मुझे इंसाफ नहीं, जलील किया, गालियां दी, धुतकार दिया। अमर, क्या तू मेरे साथ इंसाफ करेगा? हाँ दीदी बोल। तो जा मेरे भाई, मेरी इज्जत के लुटेरों की गर्दन लाके मेरे सामने रख दे। दीदी ये तू क्या कह रही है? मैं जानती थी तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तूने भी देवीलाल की तरह सबूत मांगने वाली वर्दी पहन रखी है, और सबूत मेरे पास है नहीं कि मैं चौधरी को कानून के सामने मुजरिम ठहरा सकूं। तू कहां जा रही दीदी? इंसाफ के उस बीहड़ में जहां सबूत की नहीं सच्चाई की जरूरत होती है। सॉरी, बस यही तक, चल हाथ दबा। अच्छा दबा। तेरे को बोला ना यही तक। अच्छा अच्छा, तेरे को अकल नहीं है क्या? चल अभी सर दबा। सर दबाता हूँ। भगोरे भगोरे, जब कल यहाँ भागे मुझे मालूम था हरामखोर, तू जरूर भागेगा। मैं भाग रहा था, मैं भागने लगा था, बस मगर नाश्ते के लिए खरगोश पकड़ने जा रहा था। खरगोश पकड़ने के लिए भागना पड़ता है ना। अच्छा, खरगोश। हाँ सरदार, ले चलो इसे और हमारे कैद खाने में बंद कर दो। चलो 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 सर। चल चल रहे नौजवान, फंस गए रहे नौजवान, मर गए। दो और दो चार। राम राम भाई बाप। राम राम। आप और यहाँ? चौधरी साहब कहाँ है? वो तो माल देखने के लिए कनकपुर गए हुए हैं, कोई काम था उनसे? हाँ, चौधरी साहब के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही है। अच्छा, उनसे कहना कानून से खेलना बंद करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? जरूर कह दूंगा माई बाप, जरूर कह दूंगा, कह दूंगा माई बाप। उस हरामजादे ने मुझे गालियां दी, थप्पड़ मारी और आपकी हड्डी चबाने वाला पेशाब पीने वाला कुत्ता कहा, ठाकुर साहब कुचल के रख दिया उसने मेरे रुतबे को। बात तो उसने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन फिर भी तुम्हें खामोश नहीं रहना चाहिए था। क्या करता, पोस्ट में तो मुझसे बड़ा। अगर पोस्ट की वजह से गाली नहीं दे पा रहे हो, गोली मार दो। गोली? हाँ गोली, एनकाउंटर करके साले को गोली मार दो। लेकिन? लेकिन को मारो लात। मैं भूरे से कहकर थाने पर हमला करवाता हूं, तुम मौका मिलते ही उसे गोली मार दो। मुझे वो अफसर बिल्कुल पसंद नहीं जिन्हें मेरे नमक से परहेज हो। कल सुबह वो रंगरूट मुझे आंखें दिखाकर गया है, उसकी आंखें बंद कर दो। किशन, दीदी ने सबकी नींद हराम कर रखी है और अब वो किसी को छोड़ेगी नहीं।
मेरी बात तो वो मानती नहीं। तू जाकर समझा, शायद तेरी बात मान जाए। मैं कोशिश करूंगा। जा किशन जा। हाँ हाँ ठीक। खबर मिली है कि भूरा इस चौकी पर हमला करने वाला है। आपको खबर बहुत जल्दी मिल जाती है। What do you mean? तुम कहना क्या चाहते हो? हरामजादे, तूने मेरी कनपट्टी पर थप्पड़ मारा था ना, अब देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूं। बुरा आओ कर दूंगा काम पूरा। हरामजादे, जी करता है जिस तरह चौधरी ने तेरी बहन का बैंड बजाया था उसी तरह मैं भी तेरा ढोल बजा दूं, लेकिन ऐसा करने से तो तेरी समस्या सुलझ जाएगी और मेरे थप्पड़ का जवाब नहीं। इसलिए मैं सोचता हूं कि थप्पड़ का जवाब इंस्पेक्टर, मुझे थप्पड़ नहीं मारेगा। मार मार मुझे थप्पड़, क्योंकि क्योंकि मैं चौधरी का कुत्ता हूं ना। हा? कुत्ता मार। पूरा कर दूंगा काम पूरा। देख लिया ना सांप के फन पर कंकर मारने का अंजाम। इंस्पेक्टर देखो अमर अमर वर्मा पूरा अभी तक तेरी फुदकन बंद नहीं हुई इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर भूरा करता है काम पूरा। होगा तेरा काम। नहीं गंगा, गंगा मुझे माफ कर दो। याद है यही वो जगह है जहां से तू एक दिन मुझे उठा कर ले गया था, याद है कमीने? आज मैं इसी जगह
तेरी समाधि बनाऊंगी। मुझे माफ कर दो गंगा मैया, मुझे माफ कर दो। अरे हट, भाग बुरा, नहीं तो आज तेरा काम पूरा। भाग भाग बुरा, भाग। यही है तेरा वो कानून जिसकी तू मुझे मदद लेने के लिए कह रहा था। अरे तेरे कंधे के सितारे जब तेरे लिए रोशनी नहीं कर सके तो किसी और की जिंदगी का अंधेरा क्या मिटाएंगे। आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, उसे भूल जा। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं डैडी? अमर को तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। उसका नाम मेरे दिल की दीवारों पर लिखा हुआ है। उन दीवारों को तोड़ दे, तुझे उसे भूलना होगा। हमारे खानदान में मखमल पर टाट के पैबंद नहीं लगाए जाते, रिश्ते बराबर वालों में किए जाते हैं। डैडी, आज तक मैं ये समझती थी कि आप मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे हर हाल में खुश देखना चाहते हैं, मगर नहीं, आज मुझे पता चला कि आप मुझसे भी ज्यादा अपनी दौलत से प्यार करते हैं।
अगर आपका बस चले तो अपनी दौलत के लिए आप अपनी बेटी की लाश पर से भी गुजर सकते हैं। डैडी, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती ना तो आप ऐसा कभी नहीं करते। डैडी नहीं बेटी, ऐसा कभी नहीं करते। ऐसा मत सोचो बेटी, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम अमर से इतना प्यार करती हो ये मैं नहीं जानता था। अगर अमर के साथ शादी करके तुम खुश रह सकती हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। तुम दोनों खुश रहो बेटी। डैडी आप कितने अच्छे हैं। डैडी ओ डैडी। बेटी खुश रहो बेटी। वाह दुबे जी वाह। भूरे की लाश अपने घर तक नहीं पहुंची और आपने अय्याशी शुरू कर दी। हाँ अरे क्या बात करें चौधरी साहब, हम जैसे नेता जब अपने मुल्क के नहीं रहे तो दोस्तों के क्या रहेंगे। हाँ वैसे भूरा के कातिलों की निंदा मैं कर चुका हूँ और उनकी बेवारा खेल के पास शोक संदेश भी भिजवा चुका हूँ। बस इससे ज्यादा तो नेता और कुछ नहीं करते ना। इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं। हाँ? हाँ? इससे ज्यादा जरूरत थोड़ी होगी। Damn it! Oof! पानी खत्म। कहाँ फंस गई? Oh my God! Oof! कौन है तुम लोग? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, बचाओ, छोड़ दो, please, छोड़ दो मुझे, बचाओ, leave me alone, छोड़ दो। आशा, जाना कहाँ है तुम्हें? शिवपुरी। शिवपुरी? हाँ। किसके पास? वो इंस्पेक्टर अमर है ना, उनके घर। इंस्पेक्टर अमर? हाँ, आप जानती हैं उन्हें? हाँ, डाकू हूँ ना, इसलिए पुलिस वालों से तो पाला पड़ता ही रहता है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अच्छा
भी तो नहीं। हाँ सिंह साहब, उनके वारंट इश्यू हो चुके हैं, उनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं हाँ, 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 हाँ कौन कौन? आशा तुम यहाँ कैसे आई? बड़ी मुश्किल से। मुश्किल से? पता है रास्ते में मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे। फिर एक लड़की आई जो कि एक डाकू थी, उसने मुझे गुंडों से बचाया। क्या अच्छी डाकू थी। और जानते हो सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि जब मैंने उनसे तुम्हारा जिक्र किया तो वो मुझे गांव के बाहर तक छोड़ना चाहती थी। जरूर गंगा होगी। गंगा? कौन गंगा? अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि गंगा मेरी बहन है? क्या हुआ, किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, तुम थके होगी। चलो चलो घर चलते हैं। गोदाम की चाबी निकाल मुनीम। गंगा तू चाबी निकाल मुनीम। मगर चाबी का क्या करना है? चल, अरे गरीबों का माल गरीबों में देना है, चल। मगर मैं अबे चल मुनीम के बच्चे, चल चल। खोल दरवाजा, जल्दी खोल, चल। चलो गोदाम खाली करो, चलो। ओए जल्दी कर। से कहती है कपड़े उतारो। ओफो मेरे कपड़े? अरे तेरे कपड़े ये हैं, और ये औरतों के कपड़े औरतों को अच्छे लगते हैं, मर्दों के कपड़े नहीं। क्या बकवास करते हो तुम? बकवास? बिजली, तूने मुझ पे बहुत बिजली गिराई, बहुत सताई तूने मुझको, आज से तेरा बिजली कड़कना बंद। लेकिन मैं बाहर कैसे आऊंगी? तू नहीं आई तो मैं अंदर आ जाता हूं। मैं आती हूं, अब तुम यहां से जाओ ना। अब एक छत पे जाऊंगा। क्या? जो मैं कहूंगा तुम वो करोगी? हाँ। और जो मैं करोगी? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और मैं यूं करोगी? अरे बाबा जाओ ना। और वो जो यूं सब करोगी? हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, ये ले ले। और जल्दी आना खुजली, माफ करना बिजली।
क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरे सामने नाती लड़की को देख रहे हो क्या? उसकी इज्जत नहीं है? चलो जाओ। क्यों कुछ कर रहे? मैं करूंगा। सुंदरी तू? हाँ मैं कमीने। हम सागे अब आएगा ना मजा। हाँ माफ कर दो। क्यों नेता जी, अब आ रहा है ना मजा। बोल 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 कमीने। हमें दुबे, बहुत घमंड था ना तुझे अपनी मर्दानगी पर, है ना? है ना? मत के बच्चे। उठ। तेरी लाल कुत्ते, अब तेरी बारी है। Come on.
शरारत नाजो नजाकत मस्त जवानी अल्लाह अल्लाह मेरा तो इस बात पर यकीन है बता तेरा क्या ख्याल है बता तेरा क्या ख्याल है बता तेरा क्या ख्याल है तेरा हुस्न कुछ भी नहीं सनम ये मेरी नजर का कमाल है मेरी नजर का कमाल है ये मेरी नजर का कमाल है ये मेरी नजर का कमाल है बात है मुनीम गांव में एक कव्वाल लड़की आई हुई है क्या छोकरी है अच्छा रेस्ट हाउस में ठहरी हुई है कव्वाल लड़की और रेस्ट हाउस में ठहरी है जी हाँ हमारे बगैर वो अकेले कैसे रेस्ट कर सकती है मुनीम चलो अरे इंस्पेक्टर साहब आप और मेरे कमरे में हाँ हमने सोचा कि रेस्ट हाउस में तुम्हें अकेलापन महसूस होता होगा इसलिए हम तुम्हें कंपनी देने चले आए ये बहुत अच्छा किया आपने ड्रिंक जी नहीं मैं नहीं पीता तो हम भी नहीं पीते ये लो ये रख दी अब एक अच्छा सा प्यार हटो ना इंस्पेक्टर साहब मुझे शर्म आती है तो चलो एक काम करते तुम्हें शर्म आती है तो हम आंखें बंद कर देते हैं आप भी आके बंद कर दो ठीक है तुम्हें शर्म नहीं आएगी ना आप हम आंखें बंद करते हैं आप भी आके बंद कर दो और अब एक अच्छा सा बोसा हमें दे दो मेरी जान आ जाओ तू इसे ढूंढ रहा है ना
कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश मत कर। चुप हरामजादे, उस दिन कानून का रखवाला बनके तूने ही मुझसे कहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तूने खुद कहा हो चौधरी से अपनी इज्जत लूटने के लिए, तो आज ऐसा भी तो हो सकता है कि तूने खुद अपने तमंचे से अपनी ही जान ले ली हो। आपके लिए जरूरी चिट्ठी आई है। अरे ओ चौधरी, मैंने तेरे तीसरे साथी को भी खत्म कर दिया, अब तेरी बारी है। हाँ हाँ, सब तैयार हैं। हाँ ठीक है, चलो। बाप, आप यहाँ बैठे, बाहर डाकू गंगा ने हमला कर दिया है। डाकू? क्या बंदूक लेकर आ। पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं, ये गंगा का आशिक है, अब हम इसे तब छोड़ेंगे जब गंगा खुद को हमारे हवाले कर देगी। ले जाओ इसे। चौधरी, कुत्ता छोड़ दो मुझे।
गंगा गंगा चौधरी ने किशन को पकड़ लिया है और उसने कहा है कि अगर गंगा ने खुद को उसके हवाले नहीं किया तो वो किशन को मार डालेगा। जिसके खुद के दिन भर गए हो वो किसी और को क्या मारेगा। बाबा मेरा एक ही दुश्मन बाकी है, आज मैं उसे खत्म कर दूंगी। ठहरो। हुक्म सरदार। बिजली एक बार मेरा हाथ खोल दे कमीने, उसके बाद देख मैं तुझे कैसे कुत्ते की मौत मारता हूं। इसलिए तो तुझे मैं यहां लाया हूं बेटे। आज मैं तुझे और तेरी गंगा को ऐसी मौत दूंगा कि गांव के सारे कुत्ते मुझसे ये हाथ जोड़कर कहेंगे कि चौधरी हमें ऐसी मौत कभी मत देना। एक कुत्ते कहीं के छोड़ दे मुझे, जाने दो, जाने दो। ए छोड़ दो इन्हें, आने दो आने दो आने दो। कौन हो तुम? पंजारे हैं सरकार, रामपुर जा रहे थे, बस खराब हो गई। कहो तो हम अपने कांधे पर बिठा कर रामपुर छोड़ाएं। अजी सरकार हम गरीब से काहे मजाक करते हैं, बस थोड़ी देर यहाँ ठहरने दीजिए, बाहर तो चोर डाकू का बहुत खतरा है सरकार। यहाँ पर कोई खतरा नहीं अजी, हम बहुत ही शरीफ आदमी हैं, किसी से भी पूछ लो। सरकार इसे क्यों बांध रखा है, ये कौन है सरकार? ये किसी के इश्क में पागल है, दीवाना है, इसलिए इसे बांध रखा है। जरा नाच गाकर इस दीवाने का दिल बहला दो ताकि ऊपर जाकर ये कह सके कि हे भगवान, चौधरी ने मुझे मारने से पहले कितने हसीन जलवे दिखाए।
बचाने आई गई, मुझे मालूम था तू जरूर आएगी। बड़ा सच्चा इश्क है तेरा। अब मैं तुम दोनों सच्चे प्रेमियों को ऊपर भेज रहा हूं, वहां जाकर खूब इश्क करना। हरामजादे, मैंने कहा था ना अब तेरी बारी है। ऊपर तेरे दो साथी बड़ी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब तैयार हो जा मरने के लिए। बड़ी भोली है तू, जरा नजर उठाकर देख कितनी गोलियां तेरे नाजुक बदन में धंसने के लिए बेताब हैं। लगता है चौधरी तू सिर्फ अकल का ही नहीं आंखों का भी अंधा है। जरा गौर से तो देख, वो सब तेरे नहीं मेरे आदमी हैं। ये कैसे हो सकता है? जब मौत आती है ना चौधरी तो कुछ भी हो सकता है। ठहर बिजली, ये मेरा शिकार है, इसे मैं समझूंगी। गंगा,